शिमला बना दिया भैया ने कुलचे के ऊपर, तो भाई चुकंदर भी सोच रहे मैं शिमला आ गया लेके। आए हाय यार क्या स्वाद आएगा इन कुलचों में खाने में। भैया बना रहे हैं यहाँ पे शाही पनीर के छोले कुलचे। भैया के माइंड में ऐसा पता नहीं क्या है आपको, जो भैया ने यहाँ पे शाही पनीर के छोले कुलचे बना दिए। शायद हो सकता क्या होता भैया को शाही पनीर से दुश्मनी हो, इसलिए शाही पनीर की औकात दिखाने के लिए भैया ने यहाँ पे शाही पनीर के छोले कुलचे बना दिए। भैया को यहाँ पे भाई छोटा सा नाम और जोड़ना चाहिए था, शाही पनीर के कंप्यूटराइज छोले कुलचे। भैया की स्पीड भाई लाजवाब है, ऐसा क्या जादू है भाई इनके छोले कुलचे में यार, जो इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं खाने के लिए और इतनी भीड़ इकट्ठी है भाई। और ये आ गया भैया इसके अंदर छोले का भंडार। ये देखो भैया पूरा भगोना पलट दिया छोले का, ऊपर से डाल दिया भैया ने यहाँ पे शाही पनीर की ग्रेवी। बाकी इसके अंदर क्या क्या जाएगा उसके लिए जिंदा बने रहना, वीडियो को देखना। यहाँ आओगे तो भैया को शिमला भी दिखाई देगा और यहाँ पे कुलचों का पहाड़ भी नजर आएगा। ओहो भाई ऊपर से आ गया भाई पनीर, पनीर की बारिश हो रही है भाई ऊपर से। भैया ने फुल रेस छोड़ रखी है भैया टमाटर काटने में, तड़ा तड़ भाई टमाटर कट रहे हैं एकदम। आ गया भाई प्याज, आ गया कुलचों के बीच में प्याज आ गया। कुलचों को निकाल निकाल के भैया साइड में रख रहे हैं। ये देखो भाई क्या जबरदस्त कलर लग रहा है यार, कुलचे को तो देख के ही भूख लग जा रही है यार, क्या ही बताऊं। सारी पब्लिक की भाई नजरें इन्हीं भाई कुलचों पर हैं भाई, जल्दी से कुलचे तड़का लगे भाई फिर मेरे मुंह में जाएं। और तो कैसे मेरे गबरू जवानों, स्वागत है अपन नेशनल टेस्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपको लेके आए भाई शाही खाना दिखाना है। भाई ये कोई शाही पनीर नहीं है, आप सोच रहे हो भाई शाही पनीर है, लेकिन नहीं, ये है भाई दिल्ली वालों की जान। भाई इसके लिए दिल्ली में बहुत भीड़ होती है और भैया ने इसी के अंदर भाई शाही मिक्स कर दिया। तो गाइस वो क्या चीज़ हो सकती है वो हम वीडियो में दिखाते हैं। तो वीडियो में देरी नहीं करते, सीधे आते हैं मेन पॉइंट पर और दिखाते हैं वो कैसी क्या शाही चीज़ है भाई। तो दिल्ली वालों की जान है और भैया ने यहाँ पे उसको शाही बना दिया। और यहाँ पे भैया जी स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपनी यहाँ पे शाही चीज बनाना। तो क्या हाल चाल है भैया जी? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास जी। भैया एक बार नाम बताइए अपना क्या है? मेरा नाम तो नारायण है सर। नारायण है। और यशपाल के छोले कुलचे फिर कैसे नाम आया भैया? यशपाल लड़के का नाम है। अच्छा लड़के का नाम है। और भैया मैंने यहाँ पे सुना है शाही पनीर वाले छोले कुलचे। हाँ जी हाँ जी, शाही पनीर कुलचा है, कढ़ाई पनीर कुलचा। अरे वाह भैया आपने तो शाही पनीर की जाति छीन ली। ये बात तो कुछ दिनों बाद शादी ब्याह में भी आ जाएगी, शाही पनीर वाले छोले कुलचे। लेकिन भैया एक बात मैं आपसे पूछूं, बुरा मत मानना, नहीं नहीं आपको कोई फिल्म का कॉन्टेक्ट वगैरह मिला है क्या? आपने ऐसा भाई पर्सनैलिटी बना रखी है साउथ इंडियन वाली मूवी की, लग रहा कोई फिल्म वगैरह का कॉन्टेक्ट मिला हो, उसी की तैयारी कर रहे हैं भैया? हाँ हाँ। और भैया ने यहाँ पे कुलचे सजा दिए। भैया तड़का लगाते छोले में आप? छोले में भी तड़का लगता है, कुलचे में भी लगता है। अच्छा मैंने तो भाई हर जगह भाई छोले में तड़का लगते हुए देखा, कुलचों में पहली बार देखेंगे आज, वो दिखाएंगे भाई आपको इस वीडियो में। यशपाल जी के छोले कुलचे, स्पेशल पनीर वाले छोले कुलचे, पूरा राज है भाई वीडियो के अंदर। जब तक भाई वीडियो को लाइक शेयर करो भाई, वीडियो स्टार्ट होने वाली है। बड़ी साफ लगने वाला भाई तड़के पे तड़का, छोले में तड़का। यहाँ पे भैया ने बटर डाल दिया, दो चमचे बटर के डाल दिए, ये तीसरा चमचा जा रहा है और ये चौथा चमचा जा रहा है, चार चमचे भैया ने यहाँ पे बटर के डाल दिए। भैया बना रहे हैं यहाँ पे शाही पनीर के छोले कुलचे। भैया के माइंड में ऐसा पता नहीं क्या है आपको, जो भैया ने यहाँ पे शाही पनीर के छोले कुलचे बना दिए। भैया के भी स्माइल छूट गई, शायद हो सकता क्या होता भैया को शाही पनीर से दुश्मनी हो, इसलिए शाही पनीर की औकात दिखाने के लिए भैया ने यहाँ पे शाही पनीर के छोले कुलचे बना दिए। इसमें डाल दिया भैया ने जीरा और अजवाइन। अब इसमें जाएगा भाई ढेर सारा प्याज, प्याज नहीं ढेर सारा प्याज बोलोगे भाई, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी में जाता है भाई प्याज। देखो अभी तक प्याज जा रहा है और अभी भी भैया इसमें प्याज डाल ही रहे हैं। ऐसी भाई चीज़ आपको सिर्फ यशपाल जी के छोले कुलचे पर ही मिलेगी। और इसके अंदर डाल दिया भाई सोना, लाल लाल सोना, क्योंकि भाई टमाटर बड़े महंगे चल रहे हैं इसलिए आजकल सोना अनीको बोला जा रहा है। और भैया ने यहाँ पे सोने की बारिश कर दी। और देखो भाई कितनी भीड़ है भाई, अभी छोले बन रहे हैं उससे पहले यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई यहाँ पे। और ये भैया ग्रेवी डाल रहे हैं, किस चीज़ की ग्रेवी भैया? ये नहीं तो शाही पनीर की ग्रेवी है। अच्छा जी ये आ गई भैया शाही पनीर की ग्रेवी, जो भैया शादी ब्याह में अपना रुतबा दिखाती है शाही पनीर ग्रेवी, वो यहाँ पे छोले कुलचे के अंदर भैया अपना रुतबा दिखा रही है। और भैया ने चाकू की मदद से अच्छे से सब्जियों को भाई मिलाना स्टार्ट करा। अब इसको भैया अच्छे से पकाएंगे और इसके अंदर अब क्या क्या जाएगा वो तो भैया ना आपको पता ना मेरे को पता, वो तो वीडियो देख के ही पता चलेगा, तो भाई वीडियो को पूरा देखना। तो भैया कितनी देर पकाओगे इसको तवे पर? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट बनने में लगते हैं और बिकने में 5 मिनट। ये है भाई रुतबा शाही पनीर की ग्रेवी और यशपाल जी के छोले कुलचे का यार। तो भैया जब तक इनका तवा रेडी होगा लास्ट में देखना कितनी भीड़ खड़ी हो जाएगी।
बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भाई इनके छोले कुलचे ट्राई करने के लिए। मैंने अभी देखा था भैया, दो बंदे जॉगिंग करके आए थे और इनके छोले कुलचे खा के गए हैं। ऐसा क्या जादू है भाई इनके छोले कुलचे में यार, जो इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं खाने के लिए और इतनी भीड़ इकट्ठी है भाई। देखना भाई लास्ट में भीड़, एक बार देखना लास्ट में। और ये आ गया भैया इसके अंदर छोले का भंडार। ये देखो भैया पूरा भगोना पलट दिया छोले का, शाही पनीर की ग्रेवी के ऊपर, मसाले के ऊपर। और भैया यहाँ पे मिलाना स्टार्ट कर दिया भाई छोले को। वैसे तो भाई ये मटर होती है, लेकिन अपनी दिल्ली वालों ने मटर को छोले बोल बोल कर भाई मटर को छोले ही बना दिए, मटर की वैल्यू बढ़ा दी। ऊपर से डाल दिया भैया ने पानी। अब अच्छे से भैया इसको मिलावट कर रहे हैं, बाकी इसके अंदर क्या क्या जाएगा उसके लिए जिंदा बने रहना, वीडियो को देखना। और यहाँ पे भैया को छोले टहलाते टहलाते 5 मिनट हो गए भाई, बराबर 5 मिनट से भैया इसी छोले को पका रहे हैं तवे के ऊपर। और अब डाल दिया भैया ने इसके ऊपर भाई मसाले, जो भैया शाही पनीर के छोले कुलचे में रौनक दे रहे हैं। ऊपर से आ गया भाई हरा भरा धनिया, देखो भाई कितना रंगीन लग रहे हैं छोले कुलचे हरे भरे। और ऊपर से चला गया भाई इनका चुकंदर, लाल पीले हरे सब वैरायटी आ गई भाई इस छोले में। देखो भाई कितने शानदार, कितने सुनहरे लग रहे हैं यार देखने में। ओहो भाई ऊपर से आ गया भाई पनीर, पनीर की बारिश हो रही है भाई ऊपर से। आपने भाई और जगह देखा होगा पानी की बारिश होती हुई, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देगी भाई पनीर की बारिश। और भाई भैया को मजा नहीं आया तो दो चार पनीर भैया ने हाथों से मसल दिए इस शाही पनीर के छोलों में। भाई देखो यार क्या रंगत आई है, ऊपर से डाल दी भैया ने यहाँ पे चटनी का पानी, और पत्ती की मदद से भैया भगोने के अंदर डाल रहे हैं सारे छोले, मतलब छोले बन के रेडी हो गए हैं। अब ये जा रहे हैं भगोने में भाई, पत्ती से सरका सरका के भैया ने सारे छोलों का कलर एक भगोने के अंदर डाल दिया भाई। और अब ये भाई बिकने के लिए भी बिल्कुल ही रेडी है, ये देखो भाई तैयारी हो रही है बिकने के लिए। इसके बाद लगेगा भाई इनका कुलचे का तड़का, वो देखना भाई कैसे लगाएंगे भैया कुलचे का तड़का। तड़का तो दिख ही जाएगा, लेकिन उससे पहले भैया की स्पीड देखो, भैया टमाटर देखो कितनी स्पीड से काट रहे हैं, भैया ने फुल रेस छोड़ रखी है भैया टमाटर काट रहे हैं, तड़ा तड़ भाई टमाटर कट रहे हैं एकदम। देखो भाई देखो देखो देखो, एक टमाटर में मेरे ख्याल से 2 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं टमाटर काटने में, और चुकंदर और धनिया कटी पड़ी है। अब स्टार्ट हो गया भैया यहाँ का तड़का लगना, और ऊपर से डाल दिया बटर और वो शाही पनीर की ग्रेवी। भाई 4 चमचे शाही पनीर की ग्रेवी डाल दी भैया ने। अब आ गए इनके कुलचे, इनके कुलचे भाई बहुत स्पेशल हैं, बहुत अलग हैं। डिजाइन देखो कुलचों का, और जगह आपको गोल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुलचे का डिजाइन देखो भाई कैसे हैं। सूजी के कुलचे होते हैं भाई इनके, बड़े ही जबरदस्त कुलचे होते हैं। लेकिन भैया हमने तो इनके छोले कुलचे अभी तक ट्राई नहीं करे, आज ट्राई करके देखेंगे। जितने भाई इनके छोले कुलचे देखने में अलग लग रहे हैं, खाने में अलग लगेंगे नहीं लगेंगे वो तो भाई वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। लेकिन भैया जिस हिसाब से यहाँ पब्लिक आ रही है, तो भाई कुछ तो चमत्कार होगा। यहाँ पे पब्लिक आधा आधा घंटा खड़े होके भाई इनके छोले कुलचों का वेट कर रही है। इनके छोले कुलचे आधे घंटे बाद मिलेंगे, 20 मिनट बाद मिलेंगे भाई। 20 मिनट तो भाई मान ही लो, 20 मिनट तो लगने ही लगने हैं। और भैया ने यहाँ पे शाही पनीर की ग्रेवी और डाली, और ये कुलचे बराबर भैया लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं। अब देखते जाओ वीडियो में भैया कितने कुलचे लगाएंगे, एक बार में कितने कुलचों का तड़का लगता है भाई इनके यहाँ शाही पनीर के छोले कुलचे। तो देखो भैया ऊपर कितने सारे कुलचे रखे हैं, और नीचे भी कितने सारे कुलचे रखे हैं, और भैया का यहाँ पे बराबर हाथ चल रहा है। भैया को यहाँ पे भाई छोटा सा नाम और जोड़ना चाहिए था, शाही पनीर के कंप्यूटराइज छोले कुलचे। भैया की स्पीड भाई लाजवाब है। ग्रेवी और आ गई भाई शाही पनीर की, और अभी भी कुलचे लगी रहे हैं भाई साइड में। आ गया भाई प्याज, आ गया कुलचों के बीच में प्याज आ गया भाई। देखो कुलचों के बीच में गड्ढा बना दिया, उसके अंदर भैया ने यहाँ प्याज डाल दिए। और ऊपर से आ गए भाई सोना, लाल लाल सोना टमाटर आ गए भाई ऊपर से। ऊपर से आ गया भाई नमक, इनका वाइट नमक आ गया ऊपर से, प्याज टमाटर नमक। ऊपर से आ गया भाई बटर, 4-5 चमचे भैया इसके ऊपर बटर के डालेंगे, इसका फिर दोबारा लगने वाला तड़का। और ये भाई कुलचे साइड में और करे भाई, पूरा गड्ढा कवर करा भैया ने। ये कुलचे उठा उठा के भैया प्याज और टमाटर के ऊपर रख रहे हैं, ये भाई पूरा कवर कर देंगे प्याज और टमाटर से भाई, जिससे प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाए और जो फ्लेवर है भाई इनका वो कुलचों के अंदर चला जाए अच्छे से। आए हाय यार क्या स्वाद आएगा इन कुलचों में खाने में। भैया मैंने तो ऐसे कुलचे कभी नहीं खाए, आज पहली बार ट्राई करूँगा भाई। प्याज टमाटर को अच्छे से कवर कर दिया कुलचों से, वो भाई नज़र ही नहीं आ रहे कि इसके अंदर प्याज टमाटर ही पड़े हुए हैं, ऐसा भैया ने कवर कर दिया। उधर भैया तैयार बैठे हैं कि कब ये कुलचे सिक के आएंगे, तड़का लग के आएंगे, फिर भैया उसको सेल करेंगे। सारी पब्लिक की भाई नज़रें इन्हीं भाई कुलचों पर हैं भाई, जल्दी से ये कुलचे तड़का लगे भाई फिर मेरे मुँह में जाएँ। और भैया ने यहाँ पर कुछ कुलचे साइड कर दिए उठा उठा के, मतलब
अलट पलट कर दिए जिससे कि नीचे का फ्लेवर ऊपर आ जाए, ऊपर का फ्लेवर नीचे चला जाए। और ऊपर से डाल दिए भैया ने मसाले, देखो भाई अच्छे से ऊपर से मसाले डाल दिए। ऊपर से आ गया भाई हरा भरा धनिया का, देखो भाई आए है यार कितना सुनहरा भाई कलर लग रहा है। ऊपर से आ गया भाई इनका चुकंदर, जो भाई इतनी देर से रखा था, अब ऊपर से आ गया इनका चुकंदर। ऊपर से हो गई भाई वही अपनी पनीर वाली बारिश, शिमला बना दिया भैया ने कुलचे के ऊपर। तो भाई चुकंदर भी सोच रहे होंगे मैं शिमला आ गया, लेकिन कुछ देर बाद ये पेट में जाने वाले हैं, मजे ले लो बेटे शिमला के। देखो भाई कितना ढेर सारा पनीर डाल दिया, इसलिए इसको शाही पनीर के छोले कुलचे कहते हैं, क्योंकि छोलों में भी पनीर जाता है और इनके कुलचों में भी जाता है। और यहाँ पे भैया आप कुलचे साइड करने लगे, उठा के भाई अलट पलट फिर से करने लगे, जिससे कि भाई अब इनका जो तड़का आया वो बाहर निकल के आए। देखें भैया कैसा तड़का हो गया भाई इनका, टमाटर प्याज वो अच्छे से पक पाए कि नहीं। अब भैया बस यहाँ पे सेल करने वाले हैं कुछ देर बाद, और ये कुलचों को निकाल निकाल के भैया साइड में रख रहे हैं। ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त कलर लग रहा है यार, कुलचे को तो देख के ही भूख लग जा रही है यार, क्या ही बताऊं। और भाई ये निकल गया इनका प्याज और टमाटर। यशपाल जी के यहाँ आओगे तो भैया को शिमला भी दिखाई देगा और यहाँ पे कुलचों का पहाड़ भी नजर आएगा। ऊपर से डाल दिया भैया ने यहाँ पे शाही पनीर की ग्रेवी, देखो भाई ढेर सारी ग्रेवी डाल दी भैया ने शाही पनीर की, टमाटर प्याज पर ऊपर से डाल दिए मसाले और धनिया चलेगी, और दो पनीर भैया ने मसल दिए यहाँ पे पूरी ताकत से। अब भाई इसको अच्छे से मिला रहे हैं। तो भाई शायद ये तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है भाई, इसी के साथ पब्लिक की भी भाई जान में जान आएगी, क्योंकि छोले कुलचे बनके रेडी हो गए हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब भैया निकालेंगे प्लेट में, ये देखो भाई एक प्लेट में तीन कुलचे डाले हैं भैया ने। ऊपर से डालेंगे ये मसाला जो उनने मसाला बनाया तड़के वाला, वो भी गया प्लेट के ऊपर। उधर से गए हैं भाई छोले, प्याज और चटनी, और जिसको रायता लेना है वो रायता भी ले सकता है। यहाँ पे भैया एक और प्लेट लगा रहे हैं, देखो भाई अब प्लेट की स्पीड देखना कितनी जल्दी यहाँ से प्लेटें निकलेंगी। और ये भाई तीसरी प्लेट भी आ गई, वाह भाई वाह। तो भैया एक चीज़ और दिखाऊँ, देखो भीड़, मैंने कहा था ना वीडियो के लास्ट में आपको भीड़ दिखाऊंगा, देखो भीड़। कुछ लोग भाई पैक करा के अपने घर भी ले गए, और कुछ लोग अपनी गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े होकर खा रहे हैं, और कुछ लोगों को तो अभी छोले कुलचे मिले ही नहीं है। भीड़ भाई बहुत रहती है यहाँ पर छोले कुलचे के लिए। एक और प्लेट लगाती हुई दिखाते हैं भाई, एक प्लेट में दो कुलचा भाई, ये तीसरा कुलचा, ये चौथा कुलचा, ये पांचवा और ये छठा कुलचा। किसी भाई की ये दो प्लेट है भाई छोले कुलचे की, देख रहे हो भाई कितने दीवाने हैं भाई यहाँ छोले कुलचे की, दो दो प्लेट खा रहे हैं। इतनी देर खड़े होके भाई दो दो प्लेट ना खाओ तो फायदा ही क्या भाई इतनी देर खड़े होने का यहाँ पर। और इसी के साथ भाई हमने भी जंग जीत ली, ये लग रही है भाई हमारी प्लेट। एक प्लेट में आ गए तीन कुलचे, अब इसके अंदर भैया डालेंगे छोले, और इसको कैसे भैया सजाएंगे प्लेट को। देखो भाई छोले आ गए, प्याज आ गया, अब इस पे ऊपर से डालेंगे भैया धनिया पुदीने की चटनी, और अब इसके अंदर आएंगे भाई दो मसालेदार मिर्ची, और प्लेट लग के रेडी हो गई। और भैया का प्लेट देने का स्टाइल बड़ा ही घातक लगा यार। और ये आ गया भैया का रायता, रायता देखो भाई कितना शानदार लग रहा है देखने में, 10 रुपये गिलास रायता है, मसाले वगैरह डाल रखे हैं, वो तो भैया पी के बताएंगे क्या क्या चीज़ डली इनके रायते में। तो गाइस ये लग के रेडी हो गई है भाई यशपाल जी के छोले कुलचे, शाही पनीर वाले छोले कुलचे, फ्राई वाले छोले कुलचे, बतेर नाम है भाई, कुछ भी नाम दे लो, लेकिन भाई जितना नाम है उतना टेस्ट में भी नाम है, वो आज मैं ट्राई करता हूँ। बहुत से अपनी वीडियो देखी होंगी, टेस्ट बताया होगा, लेकिन मैं भी एक बार करके देखूंगा भाई, तब आप यकीन करना टेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो भाई पहली लेते हैं इनकी व्हाइट, तोड़ते हैं भाई। ये भाई इनका कुलचा है सूजी वाला कुलचा, बहुत सॉफ्ट कुलचा है, और कुलचे जैसा नहीं है, जैसा और कुछ जगह जाओगे आपको गोल जैसे कुलचे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एकदम चौको टाइप के कुलचे मिलेंगे एकदम रेक्टेंगल साइज के। और ये भाई इनका तड़का प्याज वगैरह का, प्याज चुकंदर वगैरह पड़ रखा है उसका तड़का है। ये पहले इनका थोड़ा सा तड़का लेते हैं, और इनके ये छोले लेते हैं तड़के वाले, शाही पनीर वाले, यशपाल जी के छोले कुलचे वाले। तो भाई बन गई भाई एक वाइट, अब इसको लेते हैं, देखते हैं कैसा स्वाद है उसका, है ना। भाई स्वाद तो भाई मसालेदार स्वाद है, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं इसलिए भाई ज्यादा मसाला हो गया इसके अंदर, लेकिन टेस्ट तो है, जिस हिसाब से भैया का नाम है उस हिसाब से टेस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं है, भैया ने जितना बटर डाला है वैसे बटर थोड़ा ज्यादा फ्लेवर हो रहा है इसके अंदर, बटर का बटर भी है, मसाले भी है, लेकिन भाई ये डेली खाने लायक नहीं है, कभी कभार आप खा सकते हो। वैसे तो भाई टेस्टी है, लेकिन भाई हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो भाई एक और वाइट बनाते हैं, अब हम आए हैं तो भाई अच्छे से खा कर जाएंगे। और ये बनाते हैं एक और वाइट, फिर लेते हैं इनका मसाला, और ये वही छोले, और तू ही ले जाऊँ क्योंकि बढ़िया ना, अरे खा जा रहा हूँ। गुड है भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी आओ भाई,
यशपाल जी के छोले कुलचे खाने, बहुत ही यूनिक टेस्ट मिलेगा, बहुत ही यूनिक देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और भैया की जो पर्सनैलिटी है वो भाई किसी विलन से कम नहीं लग रही है। दोनों चीज़ देखना भाई, बहुत मज़ा आएगा आपको, खाने में भी और देखने में भी। बस रायता भूल गया था बताना, ये आ गया इनका रायता। रायता देखो भाई एकदम मसालेदार रायता है भाई, इसके अंदर कोई मतलब धनिया वगैरह नहीं डली, सिर्फ मसाले पड़े हैं। और रायता गाढ़ा भी और पतला भी दोनों मिक्स है। रायते में भैया ने अपनी चटनी और उसमें मसाले डाले हैं, जिससे भाई रायते में बहुत अच्छी रंगत आ गई और बहुत ही अच्छा स्वाद आ गया। भाई छोले कुलचे के साथ रायता भी खाओगे तो रायता भी बढ़िया लगेगा। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय, जय हिंद। तो भैया एक बार यहाँ पे टाइमिंग बता दो, कोई आना चाहता हो तो। सुबह 9 से 4। और एड्रेस? ये सी ब्लॉक कमेटी सेंटर, जनक सिनेमा के गेट पे बिल्कुल। अच्छा, तो भाई मैं आपको रोड दिखा दे रहा हूँ भाई, आप यहाँ पे देख के आ सकते हो। ये देखो भाई, यहाँ पे आपको दुकान मिल जाएगी भाई, यशपाल जी के छोले कुलचे जो भाई सबसे अनोखे नजर आएंगे आपको ऐसे। ठीक है भाई, सारा लोग आओ भाई, टेस्ट करो आके, टेस्ट एक नंबर है।